सीएम भूपेश बघेल ने की नवरात्रि की पूजा, मुख्यमंत्री ने किया कन्या पूजन। जगदलपुर में प्रभारी मंत्री कवासी ने यात्री बस को किया रवाना, तिरुपति बालाजी जाने वाली एकमात्र बस का किया उद्घाटन। जगदलपुर में चैत्र नवरात्रि पर निकाली गई शोभा यात्रा, शोभा यात्रा में लोगों की उमड़ी भीड़। तेज रफ्तार का दिखा कहर, अनियंत्रित होकर पिकअप वाहन पलटा, 24 घायल, लगभग 600 लोगों की हालत गंभीर। जगदलपुर में शहर में सुरक्षा के तहत लगे 160 कैमरे, तकनीक से हर गतिविधि पर रखी जा रही नजर। नमस्कार, मैं उषा भार्गव, स्वागत है आपका प्राइम छत्तीसगढ़ में। 9 दिनों तक चलने वाला नवरात्रि का त्यौहार आज नवरात्रि और रामनवमी की पूजा से समाप्त हुआ। सभी ने रामनवमी की बधाई, एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी माँ दुर्गा की आराधना की, साथ ही कन्या पूजन भी किया। नवरात्रि के आखिरी दिन कन्या पूजन किया जाता है। सीएम भूपेश बघेल ने अपने ट्विटर हैंडल से तस्वीरें साझा की और लिखा कि शक्ति स्वरूपा देवी माँ का पूजन और कन्या भोज रखा गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं और ट्वीट करके लिखा कि छत्तीसगढ़ सौभाग्यशाली है, छत्तीसगढ़ भगवान श्री राम का ननिहाल रहा है और उन्होंने अपने वनवास का अधिकांश समय यहाँ बिताया। यहाँ के कण कण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बसे हैं। अगले ट्वीट में उन्होंने वनवास काल के दौरान प्रभु श्री राम छत्तीसगढ़ में जिस मार्ग से गुजरे थे, उस राज्य सरकार राम वन गमन पर्यटन परिपथ के रूप में विकसित कर रही है। इससे प्रभु राम की महिमा, छत्तीसगढ़ के वैभवशाली अतीत और धार्मिक महत्व से देश दुनिया परिचित हो सकेगी। इसके साथ ही सीएम बघेल ने सभी प्रदेशवासियों को भी श्री राम नवमी की बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी। साथ ही लिखा कि प्रभु श्री राम जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सबके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली, ऐसी दुआएं भी मांगी हैं। बस्तर में पुलिस असामाजिक तत्वों पर लगातार कार्रवाई कर रही है, जिसके चलते रामनवमी पर्व को देखते हुए शहर में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस आपराधिक तत्वों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। साथ ही पुलिस बल के साथ थाना प्रभारी दिलबाग सिंह खुद वार्डों में भी निरीक्षण कर रहे हैं और निगरानी कर बदमाशों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। साथ ही बिना नंबर के मोटरसाइकिल ऑटो चालकों को भी जाँच की जा रही है। बस्तर मुख्यालय जगदलपुर में अबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बस्तर से तिरुपति बालाजी जाने वाली एकमात्र ट्रेवल बस का उद्घाटन किया। बता दें कि बस्तर के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि बस्तर मुख्यालय जगदलपुर में आम लोगों को बस्तर से विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल तिरुपति बालाजी के लिए बस सुविधा का लाभ मिलने जा रहा है। आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दूसरे ट्रेवल्स के संचालन मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर बस्तर के लोगों ने इस सुविधा में खुशी जाहिर की। ओके विजयवाड़ा, ओके हिंदुस्तान के सबसे धर्म स्थल, हर दुनिया के लोग वहाँ आते हैं। बहुत तकलीफों के हम लोग विजयवाड़ा विशाखापट्टनम गाड़ी बदल बदल के लोग जाते थे, अब सीधा बस्तर के आम नागरिक हर समय तिरुपति का दर्शन करने का मौका मिलेगा। मैं आज नवरात्रि के दिन पर जो बस मालिक को
जगदलपुर के नगर पालिका निगम में पंडित दीनदयाल वार्ड के पार्षद सहित वार्ड वासियों ने नगर निगम पहुंचकर 3 साल से अधूरे पड़े कार्य को पूरा कराने के लिए महापौर को ज्ञापन सौंपा और कार्य में अनियमितता का आरोप भी लगाया। तो वही इसकी लिखित शिकायत निगम में दी गई। पार्षद निधि से छोटे छोटे कार्य कराने के लिए लगातार आयुक्त इंजीनियर के संज्ञान में लाने के बाद भी कार्य नहीं कराया जा रहा है और वार्ड के साथ अनदेखी की जा रही है, जिससे वार्ड वासियों में पार्षद के प्रति अविश्वास की भावना बनी हुई है। दीनदयाल उपाध्याय वार्ड के वासी वहां के पार्षद यहां आए हुए थे। दीनदयाल उपाध्याय वार्ड में 3.25 साल में 3 लाख रुपए का, सिर्फ 3 लाख रुपए का इन्होंने निर्माण कार्य कराया है। लगातार पूर्व में दिए हुए आवेदन की प्रति संलग्न थी, न पार्षद निधि से काम हो रहा है, न निगम के किसी मत से उस वार्ड में काम हो रहा है, न ही किसी प्रकार की गंभीरता इन्होंने दिखाया। ऐसी भेदभावपूर्ण की राजनीति, ओछी राजनीति भाजपा पार्षदों के साथ। क्या वह वार्ड जगदलपुर का हिस्सा नहीं है? वहाँ के निवासी जगदलपुर के निवासी नहीं है? लगातार पार्षद से, महापौर से, आयुक्त से जो उन लोगों की कुछ समस्या थी, हम लोगों ने सुना भी है उसको, और समस्या वैसे जायज़ भी है। और हम लोग अभी जैसे 31 तारीख को हम लोग का बजट है, तो हम लोग उसके दूसरे दिन आने का हम लोग समय दिए, तो जाएंगे वहाँ, मतलब वहाँ जाकर हम स्पॉट में जगह को देखेंगे और उसके बाद जो भी, अगर मान लीजिए वाकई हमारे चाहे वो ठेकेदार की गलती हो, जिसकी भी गलती हो, उसके ऊपर हम फिर कार्रवाई करेंगे। नगर निगम जगदलपुर की सामान्य सभा आने वाले शुक्रवार को प्रशासनिक भवन में शुरू होगी। बता दें कि इससे 1 घंटे का प्रशासन काल होगा, प्रश्नकाल होगा, जिसके बाद बजट पेश किया जाएगा। वहीं सामान्य सभा के पहले ही नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे का कहना है कि इसके पहले भी सामान्य सभा हुई थी, जिसमें अध्यक्ष ने कहा था कि 2 महीने में सामान्य सभा बुलाई जाएगी, लेकिन आज 5 महीने बीत गए हैं, लेकिन एक भी सभा क्यों नहीं बुलाई गई। यहाँ पे विपक्ष को कभी मान्यता नहीं देती, विपक्ष के तर्कों का इनके पास कोई जवाब नहीं होता। अध्यक्ष महोदय 6-6 महीने में, देखिए कितनी बड़ी बात है, पूरे भारत का रिकॉर्ड होगा नगर निगमों का, 24 बार सामान्य सभा हो जाने चाहिए थी, परंतु यहाँ पे मात्र 8 सामान्य सभा अभी तक हुई है। एक्ट का खुला उल्लंघन होता है। पिछली बार अध्यक्ष महोदय, नगर निगम की अध्यक्ष ने कहा कि हम हर 2 महीने में, जब उनके ऊपर दबाव पड़ा विपक्ष का, तो कहा कि हम 2 महीने में निश्चित रूप से बुलाएंगे, और ऐसा कम से कम 10 बार बोला। सभा रखूंगी, लेकिन जब मैं 2 महीने के बाद लेटर जारी करी, मेरे सामान्य सभा के सचिव ने, मैंने आदेश किया सामान्य सभा के सचिव को, उन्होंने सभी विभागों को लेटर जारी किया। लेटर जारी करने के बाद उन्होंने कहा कि कोई एजेंडा नहीं है, एजेंडा नहीं रहने के कारण से सामान्य सभा नहीं रखी। उसके बाद जैसे हमारे यहाँ नगर निगम में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, 1/3 48 पार्षद हैं, 1/3 पार्षद अगर मेरे को लिख के देते हैं तो। जगदलपुर में सुरक्षा को देखते हुए 160 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। तो वही कलेक्टर चंदन कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में लगे इन सीसीटीवी कैमरों की सहायता से नागरिकों से सुरक्षा का भरोसा बढ़ गया है। साथ ही जिला और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी कोतवाली थाना परिसर में स्थित साइबर सेल में लगे विशाल स्क्रीन में शहर में संचालित गतिविधियों की निरंतर निगरानी कर रहे हैं। अपर कलेक्टर हरेश मंडावी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पॉल और अनुविभागीय दंडाधिकारी नंदन कुमार चौबे त्योहारी भीड़ के दौरान शहर की सुरक्षा और आवागमन की व्यवस्था पर नजर बनाए रखे हैं। जगदलपुर में सनातन धर्म महासभा के द्वारा शहर में चैत्र नवरात्र महाअष्टमी के अवसर पर मार्त शक्ति की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। चौक चौराहों पर इस शोभा यात्रा के स्वागत के लिए कई लोग मौजूद रहे, तो वहीं गोल बाजार चौक में मातृत्व शक्ति का जोरदार स्वागत किया गया। इस शोभा यात्रा में मार्त शक्तियों ने हाथ में पूजा की थाली लिए ड्रेस कोड का भी पालन किया। बता दें कि शोभा यात्रा नगर के दंतेश्वरी मंदिर के सामने टाउन क्लब मैदान में बने श्रीराम दरबार से निकली, नगर के प्रमुख से गुजरते हुए विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए वापस राम दरबार पर समाप्त हो गई। वहीं तेज रफ्तार का कहर बना जानकी आफत। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के पिथौरा थाना क्षेत्र के ग्राम कशीही बाहरा
पड़ाव के पास पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गया। पिकअप में लगभग 30 से 35 लोग सवार थे, जिसमें 24 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। वहीं घायलों में 5 से 6 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को उचित उपचार मिल सके इसके लिए जिला अस्पताल महासमुंद भेजा गया है। घायलों को 112 और टोल प्लाजा एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिथौरा लाया गया, जहां अभी उनका इलाज चल रहा है। पिकअप सवार लोग लक्ष्मीपुर से केशवा महासमुंद चौथिया जा रहे थे। कसीहरी बहरा पड़ाव के पास ये हादसा हुआ था। सप्ताह भर के अंदर ये दूसरी बड़ी दुर्घटना है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।